दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मूड और मन में क्या संबंध है? और मन में क्या संबंध है? मूड और मन में क्या संबंध है? अक्सर बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं ना इसको। कभी कहते हैं मूड नहीं है, कभी कहते हैं मन नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आता कि दोनों में क्या अंतर है। सही में तो ये है कि मन के अनुरूप बात हो तो मूड अच्छा रहता है, मन के अनुरूप बात नहीं हो तो मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए मूड और मन में दोनों में फर्क है ना। अब मानो चॉकलेट खानी है, आपको मिल जाए तो मूड अच्छा हो गया, आपने मांगी और नहीं मिली तो मूड खराब हो गया। और मूड के अधीन जब हो जाते हैं, अब ऐसा लगता है कि अधीन हो गए तो फिर वो हमें नीचे की तरफ में जाता जाता है। हर वक्त ऐसा लगता है अरे अब तो मेरा मूड ही नहीं है, अब तो मैं ये करना ही नहीं चाहता हूँ, अब तो मैं बहुत लेजी हो रहा हूँ, अब तो मेरा मन ही नहीं करता ये करने का। तो वहां हमें देखने की जरूरत है कि जो डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहा है, तो इसमें जो गीता का जो श्लोक है वो कहता है कि मन ही हमारा मित्र भी हो सकता है और मन ही हमारा दुश्मन भी हो सकता है। तो इतना प्यारा इसमें कहा गया है। और ये 6.5 जो हमने लास्ट टाइम भी सुना था, तो एक बार उसको रिवाइज करते हुए सुनते हैं, 6.5 एंड 6.6। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरा बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो ये तो क्लैरिटी हो गई ना कि मन की स्थिति ही, स्थिति का जो रिजल्ट है वही मूड है। तो मूड को ऐसे मूड के अधीन होंगे तो वंदा जी ने बताया कि डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाएगा, नीचे की ओर अधोगति शुरू हो जाएगी। और अब इस जिद्दी मन को, जब लेजी मन को संभालेंगे तभी मूड चेंज होने लगेंगे। इनको बलवान बनाएंगे, इनको शक्तिशाली बनाएंगे, अपने में स्थापित करेंगे, तभी ये जो मूड है, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में आएंगी। तो मन शत्रु भी बन जाएगा, मित्र भी, लेकिन हमें क्या बनाना है उसको? अपना मित्र, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हम में से कोई हारना तो नहीं चाहता ना, सब जीतना चाहते हैं ना। तो मन को जीतेंगे, मूड अपने आप सही होता जाएगा। यस, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश ऑन दिस? आई स्पीक इन इंग्लिश ऑन दिस। ये इंग्लिश में सुनो, अपनी स्पीकिंग दिखा से। इन दिस वर्ल्ड अ पर्सन कैन हेल्प अनदर पर्सन एज अ गुड फ्रेंड, पेरेंट, हस्बैंड, अ वाइफ,
only to a certain extent. However, when a person has an understanding of self, the soul, and the supreme entity, he becomes an ascetic and becomes the best friend of oneself. In this verse, Lord Krishna is explaining to Arjuna, in this world, a person can help another person as a good friend, parent, husband, or wife only to a certain extent. One should uplift the self by the efforts of his own mind and not by allowing the self to degrade itself. For the self alone is one's own friend as well as its enemy. To become a friend of self, a person, the one who has won over the mind, to him the mind is a friend. But for the one whose mind is not yet won by the self, to him the mind acts like an enemy. Back to you. The one who has won over. Back to you. Time for music. Time for music. Go ahead. इतना जरूरी है नॉट टू बी फिकल माइंडेड. उसके लिए अपने आप को खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, खुद को जानना बहुत जरूरी है, संकल्प शक्ति होना जरूरी है, अपनी नीड्स एंड वांट्स में फर्क जानना जरूरी है, एक्सेप्टेंस. प्रश्न आया है, मूड या मन कितनी जल्दी बदलता है, ऐसा क्यों? ये तो बेसिक नेचर ही है, जैसे अभी दशकों जी ने भी कहा कि हवा के जैसे है, बहता रहता है, है कि नहीं? पानी के जैसा है, एकदम तरल है, इधर रखा है तो उसने अपना रास्ता निकाल ही लेना है. तो मन तो एक जगह टिकने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसको टिकाना आना ये एक स्किल है. अब हम इसको थोड़ा सा देखें कि जैसे जैसे मन बदलता रहता है, मूड बदलते रहते हैं. अब जब हमारा दुश्मन है ये, तो दुश्मन अगर है तो क्या ये हमें कुछ सीखने देता है नया? दुश्मन को समझना भी तो पड़ेगा ना. दुश्मन को हम समझते हैं वो कोई एक दूर डिमन बैठा है, लेकिन ये कहां है? अपने ही अंदर है. और अपने अंदर जब ये मूड हावी हो जाता है तो हमें क्या करता है? लेजी बना देता है, कुछ भी करने के लिए डल बना देता है, कुछ नया सीखने नहीं देता है, कुछ नया जानने नहीं देता है, किसी से दोस्ती नहीं करने देता है, एकदम लसपस बना के रख देता है. तो अब मानो हम कुछ नया सीखने जाते हैं, मानो मम्मी पापा ने कहा कि बेटा आप छुट्टियां हैं तो कुछ गिटार की सीख लो जाते हैं, और गिटार सीखने जाते हैं, थोड़े दिनों में मन उचाट हो जाता है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जो है वो तो आर्ट क्लास में है, तो मुझे तो आर्ट क्लास में जाना है. तो मन एकदम से उचाट हो गया और वहां से आर्ट क्लास में चले गए. थोड़े दिन के बाद आर्ट क्लास में भी मन नहीं लगा क्योंकि अब लगा कि स्विमिंग बहुत अच्छी है तो मुझे तो स्विमिंग सीखनी है. तो ऐसा मन जो है वो टिकता जो नहीं है, यानी मूड के अधीन हो गया है, इज डिपेंडिंग सो मच ऑन द मूड, व्हाट हैपेंस टू दैट, वो कुछ नया सीख नहीं सकता है क्योंकि टिकता नहीं है. वो क्या अचीव कर सकता है कुछ भी? जो मन टिकता नहीं है क्या वो अचीव कर सकता है? हम सब अचीवर्स होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि अरे वाह हम इसमें भी अच्छे हो, इसमें भी अच्छे हो, लेकिन उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? एक लगन की जरूरत है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है ना. तो वो जब नहीं कर पाते तो कुछ अचीवमेंट भी नहीं आता है. और क्या ये हमें खुशी देता है? तो हमें खुश भी नहीं करता है. फिर इन मोमेंट, in one moment we want something, in another moment we don't want that. ऐसे ऐसे करके मन बदलता जाता है. तो क्या रास्ता है इसका, क्या करने की जरूरत है? जैसे अभी सायरा दीदी ने भी कहा कि मन को बैठाना आना चाहिए, रश्मि जी ने भी कहा मन को बैठाना आना चाहिए. तो ये मन को कैसे बैठाए, ये तो एक कला है ना, है कि नहीं? तो ये दो चीजें गीता में कही गई है. श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं.
दो चीजें हैं जिससे मन को संभाल सकते हैं, एक तो है प्रैक्टिस। श्री रविशंकर जी भी ये कहते हैं कि बहुत लंबे अपने गोल्स ना रखो, मानो हमसे कोई काम नहीं हो पाया तो उसमें क्या करने की जरूरत है, अपने आप को बोलें कि अच्छा फॉर नेक्स्ट 5 days आई विल डू दिस, नॉट हैविंग 40 days प्लान, बट अगले 5 दिन मैंने ये करना है, उसका एक सक्सेस बिल्डअप करके फिर नए सक्सेस में जाए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और दूसरा क्या है, आप सबको याद है वो हुक की बात करी थी लास्ट टाइम, हुक में कैसे अटक जाते हैं, किसी भी बात में अटक जाते हैं हम, तो जब अटक जाते हैं यानी क्या, हम वहां से डिटैच नहीं हो पाते हैं, हम वहां से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसको वैराग्य कहा गया। तो बच्चों के लिए वैराग्य थोड़ा भारी शब्द है, इसलिए हम इसको हुक से भी समझ सकते हैं, हुक हमें अटका के रखता है, हम माने उस बात से निकल नहीं सकते, हमें बहुत मन करता है चॉकलेट ही खाना है, चॉकलेट ही खाना है, चॉकलेट ही खाना है, तो फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा अभी 2 दिन नहीं खाएंगे चॉकलेट, या अगले 3 days नहीं खाएंगे चॉकलेट। सो बच्चों के लिए तो वही वैराग्य भी हो गया, लेकिन हम धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मन को अपने काबू में कर सकते हैं एकदम से, राइट। रश्मि जी वांट टू ऐड, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? आपने इतने बढ़िया ढंग से सारा बता दिया, बच्चों को काफी क्लैरिटी होगी होगी कि बस प्रैक्टिस करनी है और कहीं स्टक नहीं होना है, ये 2 चीजें बस क्लियर हो गई हैं उनको आपकी बात से। और लास्ट टाइम किरण दीदी ने भी इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया था बच्चों को कि मन को चिपका नहीं लेना, तो उसी तरह हम लोग करते जाएंगे तो मूड को भी अपने काबू में कर लेंगे, मन भी बदल जाएगा और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमारा भगवान ने 6th अध्याय में 35वां जो श्लोक बोला है वो बहुत क्लैरिटी करता है इसकी, तो अगर हम उसको सुनेंगे तो और भी क्लैरिटी होगी। 6th अध्याय 35वां श्लोक, असंशयम् मनोदीर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण जगृह्यते। इंग्लिश वाला बताओ। हाँ जी मम्मी प्लीज जरूर जी। इंग्लिश में लिखा है ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ महाबाहो बाहो, नो डाउट द माइंड इज रेस्टलेस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट ओ कौंतेय इट कैन बी कंट्रोल्ड विद प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, जो आपने बताया वंदना जी ने भी और रश्मि जी ने भी, सुजाता और किसने बताया मुझे नाम नहीं आया, वंदना जी और वंदना जी और रश्मि जी ने यही बताया, 2 words प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, प्रैक्टिस करो और डिस्टेंस भी करो अगर, लेकिन आई लाइक द आइडिया 5 दिन का करो गोल, 5-day goal प्रैक्टिस करो, 5-day goal फिर लिखो, फिर नेक्स्ट 5-day goal नेक्स्ट 5-day goal, सो इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट आपको धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी थ्रू प्रैक्टिस। एंड डिस्पैशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग कि आप उसे दूर कैसे हुए, हटे कैसे, डिटैच कैसे करें। आई थिंक दैट्स इट, आई थॉट आई रीड इट फ्रॉम द स्पीकिंग गीता आल्सो इन इंग्लिश। ओ कौंतेय इट कैन बी कंट्रोल्ड विद प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन। थोड़ा सा दिन में जो आपके आगे है, आपके सामने है, उस पे फोकस कीजिए, माइंडफुल रहिए, तुरंत इमीडिएटली आपके सामने जो कार्य है फोकस कीजिए, अपने आप को वापस लाइए, एकाग्र कीजिए। सवाल यह है क्या मन को हमेशा खुश रखा जा सकता है? मन
मन को क्या मन को हमेशा खुश रखा जा सकता है। मन तो ऐसा है कि कभी एक चीज पे अटकता है तो कभी दूसरी चीज पे। यहाँ अटकर मन तो यही अटक गया और हम है कहीं और, तो वो मन खुश नहीं होगा। मान लो दिल तो किया फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, तो मन तो चला गया वहां, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के घर में कुछ और कर रहे हैं, तो क्या मन जब वहां गया हुआ है तो यहाँ हमारा शरीर रहने पे भी वो मन खुश नहीं रहेगा, वो तो ध्यान उधर रहेगा हमारा बार बार कि वहां पार्टी में क्या हो रहा है, कैसे खेल रहे होंगे, कौन सा म्यूजिक, कौन सा केक। तो मन जहां वहां भी नहीं रहता तो वो खुश नहीं रहता है। तो मन खुश इसलिए नहीं रहता है। अब आपने कहा कि मन को क्या हमेशा खुश रखा जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि जहां आप हो वही 100% मौजूद हो जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, वही मन को ले आओ तो आप खुश होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि मन का स्वभाव तो खुश रहना है। लेकिन हम मन को जब दो भागों में बांट देते हैं, मन यहाँ और कहीं और भी अटका लिया, तो हमें लगता है हम खुश नहीं है। और वरुणा जी, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने तो कितना प्यारा कहा है कि जो साइना का सवाल है, क्या मन को हमेशा खुश रखा जा सकता है, तो गुरुदेव ने कहा है इसमें से हमेशा ड्रॉप कर दो ऑलवेज की अभिलाषा को, तो मन खुश है। क्योंकि हम किसी चीज पे अटके हैं कि हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। अभी अभी अब आप सब देखो, खुश हो, खुश हो, अभी 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 देखो, अगर अभी 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 में है तो खुश है, लेकिन अभी रहते हुए अगर हम कहीं और चले गए हैं तो मन खुश नहीं रहता। इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए यही रहना जरूरी है। वंदना जी, आप कुछ ऐड करेंगी? तो हम लोग इसके लिए इससे संबंधित एक श्लोक सुन सकते हैं कि मन हमारा यहाँ पे भी ना हो लेकिन शरीर यहाँ हो तो कैसे खुशी नहीं होती, कैसे झूठापन रहता है। ये तीसरे अध्याय का छठा श्लोक है, तो इसको सुनते हैं तो और भी क्लैरिटी होगी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आयते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। Can I tell you what in English? Yes, mommy. In English it's saying, the speaking Gita. If I would put my pen on it, you could hear it. But my pen is ready. Am I pen ready? If it is. Otherwise, I'll read it for you. The man who controls the senses, but mentally keeps thinking about the sensory objects, his mind is deluded and is called a hypocrite. Dhyan se suniye. The man is a pen ready? Come, I'll show you. Read. Listen to it directly. The man who controls the senses but mentally keeps thinking about the sensory objects, his mind is deluded and is called a hypocrite. Agla saath hi hai. Oh Arjuna, the one who controls his senses by the mind. Oh.
controls his senses by the mind and begins to practice karma yoga by using his senses without any attachment, that person excels. Here it is. Back to you. थैंक यू मम्मी, थैंक यू। सवाल था, ये सवाल था हमेशा मैं बच्चों को एक चीज कहना चाहूंगी, आप ये कला सीखी हो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जल्दी क्या है, व्हाई आर वी ट्राइंग टू रश थ्रू लाइफ? कोई जल्दी नहीं है। There is a time and place for everything. इसको समझिए। अगर ये छोटी उम्र में बात समझ आ जाएगी, how to embrace and live in the present moment, जीवन सुखी हो जाएगा। जो ताकत आपको 5 साल बाद, 5 दिन बाद, 5-15 साल बाद आपको जो ताकत उस टाइम चाहिए, प्रभु उस टाइम वो ताकत आपको देंगे, वो समझ देंगे, अगर आप अपना प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सवाल ये है, क्या मन उम्र के साथ बदलता रहता है? उम्र एक तरफ तो बात हुई कि मन को किस तरह से संभाले, और अभी बचपन में बहुत आसान है। सच्ची बात तो यह है कि बचपन में तो मन कम भागता है इधर उधर, बड़े जब होते जाते हैं तब ज्यादा भागने लगता है। इफ यू लुक एट चिल्ड्रन, बच्चों को देखें तो उनका मन तो बहुत स्थिर होता है और वो जो भी काम करते हैं 100% करते हैं। अगर उनको किसी चीज को धक्का भी लगाना है तो वो 100% धक्का लगाएंगे। सोफा हिला तो हिला, नहीं हिला तो कोई बात नहीं, फिर वो भूल जाते हैं उसके बारे में और फटाफट से कुछ और करने लगते हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं। तो अब धीरे धीरे हम थोड़ा ज्यादा जल्दी बड़े होने लग गए हैं आजकल, और जब ज्यादा जल्दी बड़े होने लग जाते हैं तो मन भी फिर, मन की स्पीड तेज होने लग जाती है, जस्ट लाइक अ चीता। बट रियली देखें तो मन का और उम्र का कुछ ऐसा नहीं है। आप बड़ी उम्र में जाके भी एकदम ऐसे रह सकते हो और छोटे होते हुए भी बिल्कुल भागते हुए रह सकते हो। चंचलता जो है वो उसका एज के साथ, कहते हैं कि मेच्योरिटी आती है तो सेटल होता रहता है मन, लेकिन ये बचपन में तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसको अचीवेबल बना सकते हैं। जैसे अभी सायना जी ने आपको बताया कि किस तरह से करना है, रश्मि जी ने अभी बात करी, उसके पहले हमने चंचलता के बारे में बात करी जो नेचर ऑफ माइंड है, लेकिन उसको ठहरा सकते हैं। और दूसरा एक और पर्सपेक्टिव मैं इसमें डालना चाहूंगी सायना जी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं, यू नो एज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, उम्र के साथ बात हुई तो उसमें बात एकदम से स्ट्राइक करी कि जो ओपन माइंडेड लोग हैं वो, उनकी ओपननेस ही उनको सब कुछ सिखा देती है, तो सीखने की भी कोई उम्र नहीं है। एट द सेम टाइम जो क्लोज माइंडेड है वो बड़े होके भी कुछ लर्निंग को क्लोज कर सकते हैं अपनी। तो इसलिए मन को संभालने के लिए कोई उम्र नहीं है, और मन जो है उम्र के साथ बदलता है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, है ना? So, अपने मन्ना जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे साथ बैठी हुई है किरण जी। मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि किरण जी ने शुरू में ही बोला, तुम लोगों ने मेरी उम्र का मुझे अंदाजा दे दिया। I was about to give her example and I stopped myself. I was trying to joke, I was trying to pull कि जान के शरारत की थी उन्होंने। बर्थडे प्रेजेंट मींस बताओ अपनी उम्र क्या है, बर्थडे प्रेजेंट मींस बताओ अपनी उम्र क्या है। That is the point कि जहां ओपननेस है वहां वो बालमन कभी भी जिंदा है। उसकी लर्निंग और उसकी ओपननेस उसको कितना परिपक्व बना देती है। वही वंदना जी ने कहा कि उम्र जो डिजिट्स है उससे कोई संबंध नहीं है इसका। Your mic, please. बहुत जरूरी है टू ट्रीट लाइफ एज अ गिफ्ट, टू
एस प्रसाद, ये जीवन बोझ नहीं है, ये एक यात्रा है आपकी, ये प्रभु का अंश है, ये आपको जो ह्यूमन लाइफ मिली है, इट्स टू ग्रो, इट्स टू ग्रो इन योर कॉन्शियसनेस, इन योर गुड डीड्स। तो उसके लिए उत्साह बरकरार रखिए। उत्साह बरकरार रहेगा तो फिर उम्र का क्या करना है, उस उत्साह को बरकरार रखिए। आपकी जवाबदारी प्रभु से है तो उत्साह बरकरार रखिए, उम्र कोई भी हो। अब बात आ रही है दूसरों के मन को बदलने की। प्रश्न आया है, किसी दूसरे के मन को हम कैसे बदल सकते हैं, खासकर, but that's a different aspect of this question, खासकर जब दूसरा परेशान हो। So, जैसे फ्लाइट में जाते थे ना, तो मेरे को सबसे पहली बात वही आ रही है कि जो एयर होस्टेस क्या बोलती है कि ऑक्सीजन मास्क अगर लगाना है तो पहले अपने को लगाएं, तब आप दूसरे की सहायता कर सकते हैं। सो लाइफ में बहुत जरूरी है सबसे पहले अपने मन को संभालना, अपने मन को पहले तो देखना आना चाहिए कि मेरा मन क्या कर रहा है, कहाँ है, मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मेरे कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं, या ये पतंग की जैसे भागे जा रहा है, तो इस मन को मैं कैसे कंट्रोल में लेकर आऊं। और जब अपना मन कंट्रोल में आता है तो हमारी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे साथ जो व्यक्ति है उसका मन वैसे ही ठहरने लगता है। ये हम सबने ऑब्जर्व किया होगा ना, किसी किसी के साथ बैठ के एकदम मन शांत हो जाता है, किसी किसी के साथ मन एकदम उचाट हो जाता है। सो एक तो अपनी संगत का बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि हमारा साथ कैसा है, हमारी संगत कैसी है। और दूसरी चीज, एक लाइट जो आपने सायना जी ऐड किया कि खासकर जो उदास है, तो उदास व्यक्ति को सबसे पहले क्या बोलेंगे, आ जाओ चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, पहले थोड़ा सा उसका मन वैसे ही अच्छा किया, कुछ मजाक में, कुछ हल्के से, कुछ प्यार से, कुछ उसके गले में हाथ डाल के, कुछ उससे मुस्कुरा के बात करके, उसकी बात को समझ के। आज स्पेशली जो समय चल रहा है, उस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने फैमिली वालों का भी पूरा ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हर एक के परिवार में कुछ कुछ ऐसा चल रहा है, तो कभी कभी मन उदास हो जाता है। लेकिन हम पुराने तरीके से जब बात करते हैं, चलो चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो घूम के आते हैं, अच्छा चलो कोई अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छे बारे में बात करते हैं। अब ये देखो, हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम सबका चेहरा देखो ऐसा लग रहा है खिल रहा है, जिसका भी देखो, आई एम श्योर आप सबका भी ऐसा ही हो रहा है, अभी हो रहा है ना, वंडरफुल। बस ये जो खिला हुआ चेहरा है, अब उदासी छू हो गई, कहा है उदासी, उदास सी, सी मतलब चली गई, खत्म, इट इज नॉट देयर एट ऑल, है कि नहीं। और थोड़ा सा और रश्मि दीदी को बताने को, तो वंदना दीदी ने क्या कहा कि खुद को भी शांत करना, दूसरे को भी शांत करना, उसके मन को ठंडा करना। तो उन्होंने तो आइसक्रीम बताई, लेकिन मैं बताऊंगी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक से भी ठंडा होता है, तो कोल्ड ड्रिंक कैसे, कोल्ड ड्रिंक का ना स्ट्रॉ से। तो आज एक छोटा सा प्राणायाम बताते हैं जिसको स्ट्रॉ प्राणायाम कहते हैं। जब भी मन बहुत शांत हो, बहुत भटक रहा हो, उदासी में जाए, परेशानी में जाए, तो स्वयं भी ये करो और फिर अपने साथियों को भी कराओ। कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। आराम से विश्राम पूर्वक बैठते हो ना, बैठ जाओ, और जब स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कैसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो ना, तो मुंह को गोल करना है, जीभ को भी अंदर थोड़ा गोल करना है, और सांस खींचनी है, जरा सा रोकनी है, और धीरे 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 बाहर निकालनी है। करें एक बार, करके देखें, तीन चार पांच सांस भी ऐसे लेंगे ना, तो आप अपने आप फील करोगे। करते हैं, आंखें बंद कर लो और स्ट्रॉ प्राणायाम करेंगे। सांस लो,
स्ट्रॉ से एक बार फिर से लेंगे वन मोर टाइम लास्ट राउंड नॉर्मल ब्रेथ और मुस्कुराते हुए आंखें खोलो। कूलनेस लगी ना, तो कूल बनना चाहते हो ना, माइंड को कूल रखना चाहते हो तो ये करते रहना और करवाते रहना, तो अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि अपना मन भी बदला जा सकता है और किसी की और उदासी को भी खत्म कर सकते हैं। है ना? थैंक यू। समटाइम्स द माइंड मन भारी होता है, उदास होता है। बैठिए अपने साथ, बात करिए, थिंक इट थ्रू। ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, मे बी द पेरेंट्स कैन हेल्प। थिंक इट थ्रू एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिचुएशन। आप जैसे किसी बात को, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, इट इज वॉट इट इज, और आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन में फेथ लाते हैं, तो वो आपकी बहुत मदद करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। यूं यूं की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। यूं यूं की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट दिल।